बाजार में एक और शेयर की लिस्टिंग हुई है। ग्रासिम और एबी नोवा के फाइनेंशियल बिजनेस को डीमर्ज करके नई कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल बनाई गई है। आदित्य बिरला कैपिटल आदित्य बिरला ग्रुप के फाइनेंशियल कारोबार की होल्डिंग कंपनी है। इस मौके पर आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे सहयोगी ब्रजेश मिश्रा ने। आदित्य बिरला ग्रुप की मेगा रिस्ट्रक्चरिंग पूरी हो चुकी है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कुमार मंगलम बिरला जी। कुमार मंगलम बिरला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। सबसे पहले ये बताएंगे, जो पूरी रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, इसमें निवेशकों के लिए क्या देखा आपने और क्या उनके लिए वैल्यू क्रिएशन किया? आप जानते हैं कि ये एक कॉम्पोजिट स्कीम रही है जिसमें नोवो गॉट मर्ज विद ग्रासिम एंड द फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस देन गॉट डी मर्ज एक सेपरेट कंपनी में जो आज हमने लिस्ट की है जिसका नाम है आदित्य बिरला कैपिटल। तो अगर हम देखें अनाउंसमेंट से लेके आज तक बढ़ा हुआ है मार्केट कैपिटल का करीब 70,000 करोड़ का। सो दैट हैज बीन द वैल्यू क्रिएशन फॉर द शेयर होल्डर्स ऑफ ग्रासिम एंड नोवो एंड नाउ आदित्य बिरला कैपिटल। फाइनेंशियल बिजनेस, जाहिर सी बात है, इस पूरी रिस्ट्रक्चरिंग में आपने ये फोकस किया कि फाइनेंशियल बिजनेस एक अलग एंटिटी बने, एक स्ट्रांग एंटिटी बने। इसके फ्यूचर को लेकर आप कितने होपफुल हैं कि फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस कितना वैल्यू क्रिएशन करेगा ग्रुप के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए? जो आप प्राइसिंग देख रहे हैं मार्केट में स्क्रिप्ट, आई थिंक द वैल्यूएशन टुडे इज मोर देन 50,000 करोड़ एंड द ग्रुप हैज नाउ टच्ड अ ग्रुप मार्केट कैप ऑफ $50 billion। दिस लास्ट लेग इज थैंक्स टू आदित्य बिरला कैपिटल। तो हमारा ये मानना है कि आज के दिन भी इंडिया इज अ वेरी अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट। अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हमारे जो इंडिया के जो हमारे जो कंजम्पशन है इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स सर्विसेज का, अगर हम बात करें सेविंग्स प्रोडक्ट्स की, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स की या वेल्थ मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स की, आज के दिन बहुत कम है। जो ग्लोबल एवरेजेस हैं उनसे तो बहुत ज़्यादा कम है और हमारे एशियन पीयर्स के मुकाबले भी हमारी कंजम्पशन बहुत कम है। तो देयर इज ह्यूज अप हेडरूम फॉर ग्रोथ एंड आर एम्बिशन इज दैट वी ग्रो फर्दर इन द वर्टिकल्स दैट वी आर प्रेजेंट इन टुडे। एनबीएफसी बिजनेस आपका काफी अच्छा कर रहा है, उसमें आप कितनी अपॉर्चुनिटी देखते हैं वैल्यू क्रिएशन के लिए? सो वी बिलीव दैट वी हैव लार्ज स्केल इन एनबीएफसी नाउ। वी हैव बुक साइज ऑफ अबाउट 220,000 करोड़ एंड मोर इम्पोर्टेंटली वी हैव वेरी हाई क्वालिटी बुक। सो आई वुड से कि अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं एनबीएफसी स्पेस में। हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है अभी तक बहुत अच्छा रहा है और हमारी क्वालिटी ऑफ बुक जो है वो बहुत अच्छी है और हम चाहते हैं कि इस बिजनेस में हम और अग्रेसिवली बढ़ें। फाइनेंशियल बिजनेस में आपके कई इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं, कुछ और वर्टिकल्स हैं इस बिजनेस में जहां पे हम देख सकते हैं कि जहां कुछ और इंटरनेशनल पार्टनर्स आपके साथ जुड़ें अपॉर्चुनिटी को देखते हुए? हमारे एक ही पार्टनर है सन लाइफ ऑफ कैनेडा जो हमारे साथ पार्टनर्स हैं लाइफ इंश्योरेंस में और एएमसी में। आज के दिन हम We don't expect कि हमारे और partnerships होंगी in any of the other verticals in this space। AB Capital ने RBI के पास ARC का license दिया है, उसकी क्या स्थिति है, उसके बारे में क्या बता पाएंगे और वो उस वहाँ पे आप opportunity कैसे देख रहे हैं उसमें देखते हैं? हमारे group में operating experience बहुत है across sectors और आज के दिन जो NPA की situation है banks के पास और जो RBI जो steps ले रही है for resolution of the NPAs, we believe that we have the operating experience to be a financial player through an asset restructuring company for which we have applied for a license with the RBI. This is a sector that we believe we can play a significant role in. Thank you so much for speaking to Zee Business.